डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद वन डिजिट है, इसका मतलब है कि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और पॉइंट जो है एक बार इधर जाएगा। तो हम इसका पॉइंट हटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 48 डिवाइड 195.6। इसको डिवाइड करना है, तो 48 का टेबल बड़ा टेबल है, इसको कितने बार में जाएगा 195, तो 4 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 हो जाता है, तो 4 4 जा संभावना है, तो 4 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 4 जा 32, 3 बच गया, 4 4 जा 16, 16 और 3 19 हो गया, तो 192 फोर बार में आ रहा है। इतना ही बार में जाएगा, सिर्फ 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम 4 बार में लेते हैं और 192 3 हो गया, ये कट गया। यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पॉइंट देना है, और यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करना है, तो ये तो जाने वाला है नहीं, कोई भी नंबर जो ऊपर से नीचे आता है और डिवाइड नहीं जाने पर क्या होता है, वो 0 लग जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट वाला नंबर हम ले चुके हैं, तो पॉइंट यहाँ दिए हैं और फिर 1 0 लगेगा, उसके बाद फिर हम 1 0 यहाँ पे लगा सकते हैं। अब 1 0 यहाँ पे लगा दिए, तो 360 हो गया, तो ये कितना बार में जाएगा, तो 4 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 होता है, उतना बार में नहीं जाएगा, लेकिन हम 4 8 जा चेक कर लेते हैं, 8 8 जा 64 हो गया, 6 बच गया। अब यहाँ पे 8 4 जा 32, 32 2 और 6 8 होता है, 38 हो गया, तो यहाँ पे अधिक हो रहा है, तो क्या करेंगे, 6 बार में हम ट्राई करते हैं, 6 बार ट्राई करते हैं, 448 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 8 6 जा 48 हो गया, 4 और 6 4 जा 24, तो 4 4 8 हो गया, 28 हो गया, तो यहाँ 6 बार में कम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि क्या करेंगे, 7 बार हमको चेक करना होगा, तो 7 से चेक कर लेते हैं, 8 7 जा 56 हो गया, 5 बज गया, 7 4 जा 28 और 5 33 हो गया, मतलब 7 बार में ही जाएगा, तो 7 से ले लेते हैं 7 और यहाँ 3 36 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ 5 3, तो 2 हो गया, ये कट गया, फिर 1 0 लेते हैं और कितना बार में ये जाएगा 4 6 जा 24, तो 6 बार में नहीं जाएगा, तो 5 बार में जाने की संभावना है, तो 5 बार हम लोग चेक किए हैं, नहीं किए हैं, तो यहाँ 5 बार कर लेते हैं, 8 5 जा 40 हो गया, 4 और यहाँ 20 हो गया, 5 4 जा 20 और 4 24 हो गया, तो 5 बार में कम्प्लीटली आ जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 बार लेते हैं और यहाँ पे 240, तो ये पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.075, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब है कि ये 2 बार इधर, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो हम यहाँ पे 111 ले लेते हैं और इसको 269 फिर 0 और 6.4 यहाँ रखते हैं, तो इससे हम अगर जाते हैं तो कितना बार जाएगा, 2 2 बार जाएगा, तो 222 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार में हम जाते हैं, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से 7 हो गया और यहाँ से 4 हो गया, ये तो कट गया, उसके बाद 1 0 यहाँ लेते हैं, तो 4 बार में जाएंगे, तो 444 हो जाएगा, 4 ये हो गया, यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 4 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ से 6 लेते हैं, तो यहाँ 222 ही जाएगा, 2 बार में गए ये, और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, कट गया। उसके बाद पॉइंट वाला नंबर ले रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे और ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 बार में जाएगा और 444 के साथ कम्प्लीटली ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 242.4, ये इसका आंसर हो जाएगा।